अगर आप एक विंडोज़ 10 का लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं जिसमें आपको अपने पीसी का जो थीम है, जो कलरिंग है, जो लॉक स्क्रीन है, जो वॉलपेपर है, बैकग्राउंड वॉलपेपर है, यानी कि ओवरऑल आप अपने पीसी का लुक चेंज करके इसका थीम को आप सेट करना चाहते हैं, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस वीडियो फॉर दैट। आज का वीडियो मैं स्पेशली ये बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में लैपटॉप परचेस किया है, तो ऐसे केसेस में उन्हें इन बेसिक फीचर्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, बिकॉज आफ्टर ऑल मे बी मेरे लाइफ में कभी ना कभी बिगिनर था, तो दैट्स इट। तो स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर किस तरीके से सेट करना है वो आपको बताऊंगा। तो लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको सिंपली अपने जो विंडोज़ के ऑप्शन पे विजिट करना होगा, देन यहाँ पे विंडोज़ के सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली विजिट करना होगा। सो लेट्स क्लिक ऑन सेटिंग्स। देन इसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में पर्सनलाइजेशन का एक सेटिंग मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो ये रहा वो सेटिंग जिसमें आप लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, इवन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको विंडोज़ के साथ में मिलता है, चाहे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने मैनुअली भी कोई भी फ़ोटोज़ कोई वॉलपेपर को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे आपको मैनुअली आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को भी ओपन करके वहाँ से आप मैनुअली कोई भी वॉलपेपर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्लाइड शो का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यह बात करते हैं बैकग्राउंड वॉलपेपर को किस तरीके से सेट करना है। बैकग्राउंड वॉलपेपर में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको सॉलिड कलर इवन पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। पिक्चर के ऑप्शन में आप मैनुअली फाइल एक्सप्लोरर में जाके कोई भी फ़ोटो को पिक करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में जस्ट लाइक दिस। उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड में वॉलपेपर को चेंज करने के लिए, जो कि सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सॉलिड कलर का, जिसमें अगर आप चाहो तो एक डिसेंट नॉर्मल कलर्स को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी दैट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डिसेंट कलर को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं विंडोज़ 10 में। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्लाइड शो का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं, जिसमें वो टाइम में जो वॉलपेपर है वो चेंज होते रहेंगे, तो आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कलरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप इन आइकन्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलरिंग वाले ऑप्शन पे भी सिंपली विजिट कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे टन्स अमाउंट्स ऑफ कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप इन एप्लीकेशंस के आइकन्स के कलर को चेंज कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट्स मेक योर विंडोज़ लुक परफेक्ट, यू कैन सी दैट। तो इसी तरीके से ही आप अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप या पीसी में जो इसका ओवरऑल थीम है उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल दैट यू कैन यूज़ इट टू चेंज योर थीम इन अ विंडोज़ लैपटॉप एंड पीसी।